मध्य प्रदेश के खंडवा में कोरोना ने धीरे धीरे अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। खंडवा में देर रात आई सैंपल रिपोर्ट में कोरोना के 17 नए पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जिसके बाद खंडवा में कोरोना मरीजों की संख्या 15 से बढ़कर 32 हो गई है। इतने बड़े पैमाने पर कोरोना के मरीज पाए जाने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। सभी नए संक्रमित मरीजों को विभिन्न क्षेत्रों से उनके घरों से लाकर कोविड वार्ड में भर्ती कर पूरे इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। आज दिनांक तक अभी तक 32 पॉजिटिव मरीज हैं और वो ट्रामा सेंटर में भर्ती कराए और सबकी जनरल कंडीशन सबकी अच्छी, ये इस क्षेत्र के लिए या आप अपन सब लोगों के लिए अच्छी चीज़ है कि जनरल कंडीशन ओके है। और कल जो रात को 2-3 बजे तक हम लाए, वो घर से उठा के लाए तो वो लोग बोलते थे सर क्यों ले जा रहे हैं कि नहीं, पर चूंकि वो इन्फेक्शन नहीं फैलाए इसलिए लाए हैं। उसमें दो डॉक्टर भी हैं, उनको भी शिफ्ट कर दिया गया है और वो भी उसमें हॉस्पिटल में रहेंगे। हाँ, ये बिल्कुल सही है, कोरोना के जो सिम्टम है वो नहीं है, तो ये इसका ये मतलब हुआ कि अपन अर्ली डिटेक्शन किया जा रहा है, जिससे डेथ होने के रेट जो है कम हो जाएंगे, ऐसा हमारा हेल्थ विभाग मानता है। क्योंकि इंदौर में जो डेथ है बहुत ज़्यादा है हो रही, बनिस्बत यहाँ अभी तक एक डेथ नहीं हुई, पॉजिटिव केस से किसी की नहीं हुई, और लेट डिटेक्शन हुआ। अगर यही वायरस बहुत दिन से 1 महीना मेरे शरीर के अंदर रहेगा और मेरी उम्र ज़्यादा है तो वो उस मरीज के लिए घातक होता है, ये मेडिकल साइंस से रिलेटेड है। तो चूंकि अर्ली डिटेक्शन है इसलिए ये सबकी जनरल कंडीशन। आपको बता दें कि खंडवा के आधा दर्जन गांवों को कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है, जिसमें कुछ डॉक्टर और पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। जिला प्रशासन ने बताया कि इन संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों के पिछले 20 दिन के सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर उनकी स्क्रीनिंग कर इनके भी सैंपल लिए जाएंगे। खंडवा से न्यूज के लिए अजीत कुमार लाड की रिपोर्ट।